नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ETP में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है द गोल्डन गूज, गूज यानी बतख। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ए वेरी पुअर ओल्ड लेडी हु हैड बीन चेस्ट अवे फ्रॉम हर फैमिली। एक बहुत गरीब बुढ़िया थी, चेस्ट का मतलब होता है छोड़ देना, थी जिसके परिवार से भगा दिया गया था। हर चिल्ड्रन डिड नॉट वॉन्ट ए टू कीप हर विथ देम बिकॉज ही हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड कुड नॉट डू एनी वर्क फ्रॉम देम। वर्क मीन्स काम करना, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, कीप मीन्स रखना। क्योंकि उसके बच्चे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी हो गई थी और वह उनके लिए कोई काम भी नहीं कर सकती थी। द ओल्ड लेडी डेली प्रे, प्रे मीन्स प्रार्थना करना। हो लेड प्लीज टेक मी विथ यू सून। बुढ़िया प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, कृपया मुझे शीघ्र ही अपने पास ले लो। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव एनी मोर इन दिस वर्ल्ड आफ्टर इवन माई चिल्ड्रन हैव लेफ्ट मी टू सफर। सफर मीन्स यानी कष्ट सहना, लेफ्ट मीन्स छोड़ना। क्योंकि मुझे मेरे बच्चे ने भी मुझे कष्ट सहने के लिए छोड़ दिया है। वन डे एज द लेडी ओपन हर डोर ही फाउंड ए वेरी स्ट्रेंज गोज। एक दिन स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, गूज मीन्स बतख। एक दिन जैसे ही महिला ने अपना दरवाजा खोला, ही वॉज स्टिल मोर एस्टोनिस्ट वैन द गूज ओपन इज माउथ एंड स्टार्टेड टू स्पीक। स्टिल मीन्स फिर से, और एस्टोनिस्ट यानी आश्चर्य चकित। अजीब हंस या बतख मिला और वह भी आश्चर्य चकित हो गई जब हंस ने अपना मुंह खोला और बोलना शुरू किया। डियर लेडी, प्रिय बुढ़िया, आई हैव बिन हैविंग यूअर प्रे टू गॉड। मैं भगवान से आपकी प्रार्थना सुन रहा था। फ्रॉम नाउ ऑन यू कैन प्लक ओपन फेदर फ्रॉम मी एंड इट वुड टर्न इंटू द गोल्ड। प्लक मीन्स तोड़ना, फेदर मीन्स पंख। तुम मेरा एक पंख तोड़ लो जिससे आप तोड़ सकते हो, यह सोने में बदल जाएंगे। मेक यूज ऑफ इट, यूअर प्रॉब्लम विल बी सोल्ड। जिसके आपके प्रयोग से इनका आपकी समस्या हल हो जाएंगी। द ओल्ड लेडी सैड, बुढ़िया बोली, वॉट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ गोल्ड। सोने से क्या होगा। द गूज गिविंग ऑन फेदर रिप्लाइड, वोट एंड सी। सून द ओल्ड लेडी बिकेम वेरी रिच एंड यू नो दैट हैपन नेक्स्ट। हंस ने एक पंख देते हुए उत्तर दिया, रुको और देखो, जल्द ही बुढ़िया बहुत अमीर हो गई और आप जानते हैं कि आगे क्या होगा हुआ। All her relative came back to her. She lived very happily them after. और रिश्तेदार पास आ गए और उसके बाद वह बहुत खुशी से रहने लगी। चलो इसका मोरल देखते हैं। Sincere prayer are well heard. यानी कि सच्ची प्रार्थना अच्छी तरह से सुनी जाती है। अगर कैसी लगी स्टोरी, अगर आपको भी थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।